बीजेपी प्रत्याशी सुरेश चंद्र तिवारी ने नामांकन भरा है, तो कलेक्टर दफ्तर पहुंचे हजारों संख्या में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला है। तो नामांकन के दौरान स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा उनके साथ मौजूद रहे, तो कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, नामांकन के दौरान स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा मौजूद रहे। तो बीजेपी प्रत्याशी सुरेश चंद्र तिवारी ने नामांकन भरा है, तो सुरेश चंद्र तिवारी की तरफ से नामांकन बीजेपी की तरफ से भरा गया है। तो वहीं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं ने जुलूस इस दौरान निकाला। तो नामांकन के दौरान स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा मौजूद रहे और संवाददाता संदीप खेर का रुख करेंगे। संदीप, बीजेपी प्रत्याशी सुरेश चंद्र तिवारी ने नामांकन भरा है, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से आपको बता दें, सबसे पहली बात तो ये पूर्व विधायक रह चुके हैं सुरेश चंद्र तिवारी, और आज इन्होंने जब नामांकन भरने के लिए भाजपा मुख्य कार्यालय पहुंचे हैं तो सैकड़ों हजारों की तादाद में आज यहां पे कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिसमें आपको बताएं उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, आशुतोष टंडन, लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया, प्रयागराज सांसद रीता बबला जोशी, मुकेश मिश्रा, ऐसे तमाम आज यहाँ पे बड़े नेता पहुंचे हैं, जिसके बाद वो आज यहाँ पे हजारों के हुजूम के साथ नामांकन करने के लिए निकले हैं। और कहा जा रहा है कि सुरेश चंद्र तिवारी का पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत ही अच्छा प्रभाव रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार विधायक रहे हैं तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी में एक को टिकट मिलने को लेकर एक खुशी की लहर देखी जा रही। वहीं आज इनके समर्थक जो है वो हाथों में झंडा लेकर और एक बहुत ही बड़ा जुलूस निकाला जा रहा है, इनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, और यहाँ पे पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का आज यहाँ का प्रदेश कार्यालय है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। सुरेश चंद्र तिवारी आज काफी खुश नजर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही स्वतंत्र देव सिंह ने उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने उनके पैरों को छू के आशीर्वाद लिया है। तो कहीं ना कहीं से आज का इसका ये जो जुलूस है वो काफी बड़ी मात्रा में निकाला जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।